मेरे चचा का बेटा मेरी बीवी से शादी करना चाहता था वो चाहता था कि मैं अपनी बीवी को तलाक दे दूं। उसके बदले वो मुझे मुंह मांगी कीमत देगा एक रोज़ उसने इतनी बड़ी ऑफर की कि मैं इनकार ना कर सका और डील पक्की कर ली मेरे कज़न ने मेरी बीवी को होटल में बुलाया था जब मेरी बीवी कज़न के कमरे में चली गई तो मुझे डर सा लगा मैंने जैसे ही दरवाज़ा खोला तो मेरे सर पर आसमान टूट पड़ा क्योंकि बीवी तो काफ़ी दिनों से हमारे घर का ऊपर वाला पोर्शन खाली पड़ा था पुराने किराएदारों के जाने के बाद से कोई नए किराएदार नहीं आए थे एक छोटी सी फैक्ट्री में मैं काम करता था और मेरी तनख्वाह इतनी नहीं थी कि हमारे घर का गुजारा सिर्फ मेरी आमदनी से हो पाता जब से पुराने किराएदार गए थे हम बहुत मुश्किल से गुजर बसर कर रहे थे मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गया था जब भी हमारा घर किराए के लिए कोई लेने आता उसे किराया बहुत ज्यादा लगता और वो वापस चला जाता मैं और अम्मा सोच रहे थे कि किराया कुछ कम कर दिया जाए इससे पहले कि हम किराया कम करते अगली सुबह दरवाजे पर एक औरत चली आई उसने अपना नाम आलिया खातून बताया जिसे किराए का घर देखना था मैं फैक्ट्री जाने से पहले ऊपर वाला पोर्शन उन्हें दिखाने के लिए ले गया उस खातून को हमारा घर बहुत पसंद आया और किराए पर भी उसने कोई इतराज ना किया ये जानकर मुझे भी खुशी का एहसास हुआ कि उसकी फैमिली में सिर्फ वो और उसकी एक जवान बेटी ही थी उसने बताया कि उसका शोर दुबई में काम करता है और उनके माली हालात अच्छे हैं। मैं भी यही चाहता था कि ऊपर वाला पोर्शन किसी ऐसे लोगों को किराए पर दिया जाए जिनकी फैमिली में अफराद कम से कम हो और किराया वसूल करने में भी परेशानी न हो उस औरत ने घर देखते ही मेरे हाथ पर एडवांस किराया रख दिया और मुझसे चाबी ले ली उनका शाम तक ही शिफ्ट होने का इरादा था शाम को जब मैं फैक्ट्री से लौटा, तो अम्मा कहने लगी कि मुझे भी नए किराएदारों से मिलवा दो ताकि पता तो चले कि कैसे लोग हैं और हम उनसे ये भी पूछ लें कि उन्हें घर में कोई मसला तो नहीं है मैंने मुंह हाथ धोया और अम्मा को लेकर चल पड़ा ऊपर वाले पोशन का दरवाजा गली में ही था दरवाजा बजाने पर एक लड़की ने दरवाजा खोला जिसे देखते ही मैं पलके झपकाना भूल गया उसने एक निगाह मुझ पर डाली और फिर फौरन अंदर की तरफ पलट गई। और उसकी माँ बाहर चली आई उसने मुझे और अम्मा को कमरे में बिठा दिया और गर्म जोशी से अपना तारुफ करवाने लगी उनके शोहर पिछले दस वर्षो से दुबई में नौकरी कर रहे थे और वो यहाँ अपने ससुराल के साथ रहती थी लेकिन कुछ रंजिशों की वजह से उन्होंने ससुराल का घर छोड़ दिया अब पिछले दो साल से वो कराए के घरों में गुजारा कर रही थी ड्राइंग रूम में मौजूद सामान देखकर लग रहा था कि वो बहुत ही पैसे वाली औरत हैं और उनके घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं है आलिया खातून की बात सुनकर अम्मा कहने लगी कि अगर ऐसी बात है तो आप अपना घर क्यों नहीं खरीद लेती खातून ने मुस्कुराकर कहा कि यहाँ घर खरीद कर वो क्या करेंगी उनकी एक ही बेटी है जो अब जवान हो गई है उसकी शादी करते ही वो अपने शहर के पास दुबई चली जाएंगी उनकी बात सुनकर मेरे जहन में वो खूबसूरत चेहरा घूम गया बातों का सिलसिला चल ही रहा था कि जब उस खातून की बेटी शरबत बनाकर ले आई और उसने अदब से अम्मा को सलाम किया अम्मा के पूछने पर उसने बताया कि उसका नाम नताशा है और वो ग्यारहवीं जमात में पढ़ती है वो सर झुकाए अपनी माँ के बराबर में बैठी थी लेकिन मेरी नज़रें उसके वजूद से हट ही नहीं पा रही थी वो सादगी में भी कयामत ढा रही थी मैं सारा वक्त चुपके से उसे तकता रहा फिर अम्मा ने आलिया खातून से रुखसती के लिए इजाज़त मांगी तो मेरा दिल डूब सा गया मैं तो अभी और वक्त यहाँ गुजारना चाहता था वापसी के रास्ते में अम्मा आलिया खातून की खुश इखलाकी और उनकी बेटी की तरबियत की तारीफें कर रही थी अम्मा उन दोनों से बहुत ही मुतासिर हो गई थी और मैं भी अम्मा के मुंह से नताशा की तारीफ सुनकर धीमे धीमे मुस्कुरा रहा था घर आकर खाना भी नहीं खाया था और ऐसे ही बिस्तर पर लेट गया था सारी रात नताशा का ख्याल दिमाग पर छाया रहा था वो मेरी जिंदगी में आने वाली पहली लड़की थी जिसे देखकर मुझे एहसास हुआ था कि मैं अब तक अकेला क्यों हूँ अगली शाम में बिला इरादा ही आलिया खातून के दरवाजे पर पहुँच गया था और दरवाजा बजाने पर नताशा ही ने दरवाजा खोला था अब वो मुझे अच्छी तरह पहचान गई थी सलाम करने के बाद वो नजर झुकाकर पूछने लगी कि मैं क्यों आया हूँ तो मेरे पास भी नहीं था कि मैं उनके दरवाजे पर चला चलाया हूँ लेकिन कोई ना कोई जवाब तो देना ही था इसलिए मैंने कह दिया कि अम्मा कह रही हैं अगर कोई भी काम हो तो आप लोग बिला झिझक मुझे कह सकते हैं नताशा अच्छा कहकर दरवाज़ा बंद करने ही वाली थी कि मैंने दरवाज़ा पकड़ लिया वो एकदम घबरा गई तो मैंने फौरन कहा कि आप मेरा फ़ोन नंबर तो ले लीजिए ताकि जरूरत पड़ने पर मुझे बुला सकें मेरी बात सुनकर उसने खुद ही मुझे अपना नंबर बता दिया और कहने लगी कि आप मेरा नंबर महफूज कर लें और अपना नंबर मुझे मैसेज कर दीजिएगा मेरे दिल की मुराद भर आई थी बड़ी आसानी से मुझे उसका मोबाइल नंबर मिल गया था और मुझे क्या चाहिए था मैं खुशी से सरशार घर लौट आया घर पहुंचते ही मैंने नताशा को मैसेज करके अपना नंबर बता दिया अब मुझे उसके जवाब का इंतज़ार था लेकिन सारी रात इंतज़ार में ही गुजर गई मगर कोई जवाब नहीं आया मेरा दिल बहुत उदास हो गया था और अगले सुबह मेरे साथ फैक्ट्री में काम करने वाले मेरे चचा के बेटे फरहान और मेरे दोस्त रशीद को भी मेरी शक्ल और आंखों की से बहुत कुछ समझ में आ गया था मैं पिछले पाँच सालों से उनके साथ इस फैक्ट्री में काम कर रहा था हम तीनों में बहुत गहरी दोस्ती हो चुकी थी वो कहने लगे वसीम वो खुशनसीब कौन है जिसके लिए तू तो इस कदर उदास हो रहा है मेरे चचा का बेटा छेड़ने वाले अंदाज में मुझसे पूछ रहा था ऐसी कोई बात नहीं है तुम लोग काम पर ध्यान दो वो दोनों ज़ोर जोर से हंसने लगे क्योंकि उन्हें अच्छी तरह मालूम हो गया था कि मैं उनसे कुछ छुपा रहा हूँ मैं उन्हें बताता भी तो क्या बताता फ़िलहाल बताने के लिए कुछ था भी नहीं दो दिन ऐसे ही उदासी में गुजर गए थे मैं दोबारा से नताशा के घर जाने के बारे में सोच रहा था कि दोपहर के वक्त नताशा का फ़ोन आ गया मोबाइल की स्क्रीन पर उसका नाम देखते ही मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा था मैंने बेताब होकर कॉल उठाई तो दूसरी तरफ से उसने परेशानी के आलम में बताया कि उसकी माँ की अचानक तबीयत खराब हो गई है और उसे मदद की जरूरत है और उसके लहजे से परेशानी टपक रही थी ये इलाका उनके लिए वैसे भी नया था और उन्हें ज्यादा मालूम नहीं थी इसलिए मैं फौरन फैक्ट्री से छुट्टी लेकर घर की तरफ चल दिया जब अपने घर के ऊपर वाले पोर्शन में पहुंचा तो नताशा की अम्मा शदीद बुखार में तप रही थी मैं उन्हें अस्पताल लेकर गया और डॉक्टर से चेकअप करवा कर वापिस घर ले आया नताशा का रो रो कर बुरा हाल था मैं बार बार उसको ही देख रहा था उसके आंसू मुझे बहुत तकलीफ पहुंचा रहे थे मैं वापस फैक्ट्री जाना चाहता था इसलिए मैंने शाम को आने का कह दिया मैं शाम के वक्त अम्मा को लेकर दोबारा नताशा के घर पहुंच गया उसकी माँ की तबीयत काफ़ी बेहतर हो चुकी थी और वो मेरा बहुत शुक्रिया अदा कर रही थी वो अम्मा से मेरी बहुत ज़्यादा तारीफ कर रही थी और फिर अचानक उन्होंने अम्मा से ऐसी बात की कि मैं हैरान रह गया वो कह रही थी कि उन्हें अपने शोर के पास दुबई जाना है उनके शोर की वहाँ तबीयत ठीक नहीं है और वो नौकरी छोड़कर वापस नहीं आ सकते और इसी फिक्र में उन्हें बुखार हो गया था वो जल्द से जल्द अपनी बेटी की शादी करना चाहती हैं वो मेरी शराफत से बहुत ज़्यादा मुतासर हो गई थी वो अम्मा से कह रही थी कि वो अपनी बेटी नताशा की शादी मेरे साथ करना चाहती हैं उनकी बात सुनकर मैं हक्का बक्का रह गया कि नताशा जैसी खूबसूरत और जवान लड़की का साथ मुझे इतने आसानी से मिल गया था मैं सोच भी नहीं सकता था और उसके मुकाबले में मेरी उम्र भी ज्यादा थी और मैं खूबसूरत भी नहीं था लेकिन उनकी बात सुनकर अम्मा का चेहरा खिल उठा अम्मा भी नताशा को बहुत पसंद करती थीं मगर हमारे हालात बहुत अच्छे नहीं थे और ये बात अम्मा ने उनसे बिल्कुल भी नहीं छुपाई थी हमारे हालात की वजह से ही आज तक मेरा कहीं रिश्ता नहीं हो सका था अम्मा की सारी बात सुनकर वो मुस्कुराने लगी कि ये तो आपकी अच्छाई है कि आपने अपने बारे में सब कुछ सच सच बता दिया है हमारे पास रुपए पैसे की कोई कमी नहीं है लेकिन हम बस यही चाहते हैं कि हमारी बेटी की शादी किसी शरीफ लड़के से हो जाए और वो अपने घर में आबाद रहे अम्मा और मेरा आगे पीछे कोई भी नहीं था अब्बा के इंतकाल के बाद रिश्तेदार हमारे हालात देखकर हमसे मुंह मोड़ चुके थे बस मेरे चाचा का बेटा अक्सर हमारे घर आता जाता था और मेरे साथ फैक्ट्री में भी जॉब करता था इसीलिए अम्मा को फैसला करने में ज्यादा वक्त ना लगा और अम्मा ने फौरन हाँ कर दी मुझे तो ऐसा लगा जैसे मैं कोई ख्वाब देख रहा हूँ जिसे अब तक मैंने ठीक तरह से दुआओं में भी नहीं मांगा था उसे किस्मत ने मेरा हम सफर बना दिया था और नताशा की मां ने कहा कि उन्हें तैयारी के लिए ज्यादा वक्त नहीं चाहिए क्योंकि जब पैसा हाथ में हो तो खरीदारी में ज्यादा वक्त नहीं लगता पंद्रह दिन के अंदर उन्हें अपने शोहर के पास दुबई भी जाना था मगर उनकी एक अजीब सी शर्त थी कि वो सादगी से और खामोशी से शादी करना चाहती थी उनकी बात सुनकर अम्मा हैरानी से पूछने लगी कि आपकी भी एक ही बेटी है और मेरा भी एक ही बेटा है तो फिर इतनी जल्दबाजी में खामोशी से शादी करने की क्या ज़रूरत है वो कहने लगी कि उनके ससुराल वाले अच्छे लोग नहीं हैं और अगर उन तक शादी की खबर पहुंची तो वो लोग बहुत हंगामा करेंगे क्योंकि उनके देवर नताशा को अपनी बहू बनाना चाहते हैं और वो हरगिज भी ऐसा नहीं चाहती मुझे तो नताशा से गर्ज थी मैंने अम्मा से कहा कि खामोशी से शादी करने में क्या मसला है अच्छा है कम खर्चे में शादी हो जाएगी मेरे चाचा के बेटे फरहान और मेरे दोस्त रशीद को जब इस बात की खबर मिली कि मेरी शादी हो रही है वो दोनों हैरान रह गए और कहने लगे तू बड़ा छुपा निकला इतनी बड़ी बात हजम कर गया लेकिन जब उन्हें पता चला कि मेरी शादी मेरे नए किराएदारों की बेटी से हो रही है तो वो दोनों ही चौंक उठे कहने लगे तुमने चार दिन भी उनके साथ नहीं गुजारे और तुम उनकी बेटी के साथ जिंदगी गुजारने का फैसला कर चुका है मैंने सरसरी तौर पर उन्हें नताशा से अपनी पहली नज़र की मोहब्बत के बारे में बता दिया मेरी खुशी देख कर वो दोनों खामोश हो गए मैंने उन दोनों को अपनी शादी पर भी बुलाया था वो दोनों मेरी शादी में गवाह भी बने और सारी तैयारियों में भी आगे आगे रहे ये बात बहुत ही कम लोगों को मालूम थी कि मेरी और नताशा की शादी हो रही है शादी वाले दिन मेरा कजन फरहान नताशा को देख पागल हो रहा था वो मेरे पास आकर बैठा और मुझे कहने लगा क्या किस्मत पाई है काश मैं तुमसे पहले नताशा को देख लेता तो आज तुम्हारी नहीं बल्कि मेरी शादी नताशा से हो हु रही होती फिर वो ये बात कहकर खुद ही हंसने लगा मुझे लगा शायद वो मजाक कर रहा है नताशा होकर मेरे घर चली आई उसकी अम्मा ने जहेज के साथ काफी पैसा भी दिया था मेरी तो लॉटरी निकल आई थी शादी की रात वो बिस्तर पर दुल्हन बनी बैठी थी मैंने एक हफ्ते की फैक्ट्री से छुट्टी ले ली थी और ये एक हफ्ता पलक छपकते ही गुजर गया मेरी सास आलिया खातून दुबई चली गई थी और घर एक दफा फिर खाली हो गया था मैंने फैक्ट्री जाना शुरू किया तो फरहान और रशीद मुझे हर बात पर छेड़ने लगे थे मुझे वो जोरों का ग़ुलाम कहने लगे थे क्योंकि अब मैं बहुत कम वक्त उनके साथ गुजारता था और छुट्टी होते ही सीधा घर की तरफ दौड़ लगाता था वो मुझे तंग करने के लिए बार बार कहते थे कि कोई तो बात है जो इतनी आसानी से तेरी सास अपनी इकलौती बेटी तेरे हवाले कर गई वरना चार दिन की जान पहचान में कौन बेटी देता है ये बात वाकई सोचने लायक थी लेकिन मेरी आंखों पर इश्क की पट्टी ऐसी बंधी हुई थी कि मैंने एक दफा भी ना सोचा कि इतने दिनों में वो कैसे मेरी शराफत पर यकीन कर सकते हैं इसलिए मैंने उन दोनों को डांट कर खामोश करवा दिया नताशा वैसे भी मेरा बहुत ख्याल रखती थी वो तो अम्मा को घर का कोई काम भी ना करने देती अम्मा भी दिन रात उसकी तारीफ करते नहीं थकती थीं अम्मा को घुटनों का मर्ज था और नताशा के आने से उन्हें आराम मिल गया था मेरे मुंह से नताशा की बेपनाह तारीफ सुनते हुए एक दिन मेरे चाचा का बेटा फरहान कहने लगा यार वसीम भाभी कम उम्र और बहुत हसीन है एक दफा तो उसकी वफादारी भी आजमा ले फरहान ने ये बात ऐसे ही मजाक में कही थी लेकिन मैंने उसे कहा कि मुझे नताशा की वफ़ादारी पर खुद से ज्यादा यकीन है ना जाने क्यों फरहान की बात मुझे बहुत बुरी लगी थी उसने जब से नताशा को देखा था मुझे लगा था कि वो भी उसे पसंद करने लगा है इसलिए मैंने उसे कहा कि तू चाहे तो आजमा कर देख ले मेरी बीवी मुझसे मोहब्बत करती है वो मेरे अलावा किसी का सोच भी नहीं सकती हाथ जोड़कर हंसते हुए कहने लगा यार मैं तो मजाक मजाक कर रहा था मैंने कहा मजाक में ही सही मगर तूने मेरी बीवी पर शक किया है इसीलिए मैं चाहता हूँ कि मैं उसके बारे में एक लफ्ज भी बर्दाश्त नहीं कर सकता था अब तो हमारी शादी को एक महीना हो चुका था और मैं नताशा को अच्छी तरह जान गया था वो बहुत ही खिदमत गुजार और मोहब्बत करने वाली लड़की थी मेरी नाराजगी देखते हुए फरहान ने पहले तो मुझसे माफी मांगी और फिर नताशा का नंबर मुझसे लेकर अपने मोबाइल फोन से हेलो का मैसेज किया चंद सेकंड में ही नताशा का जवाब आया तो फरहान मेरी तरफ देखने लगा तब मैंने कहा कि बात करके देख ले तुझे मुंह की ही खानी पड़ेगी फरहान ने नताशा से अपने बारे में कुछ भी झूठ नहीं कहा साफ साफ बता दिया कि वो मेरे चाचा का बेटा फरहान है और हमारी शादी में शरीक हुआ था उसने नताशा की खूबसूरती की तारीफ की और लिख दिया कि वो उसके हुसन का दीवाना हो गया है फरहान ने कुछ भी झूठ इसलिए नहीं कहा था क्योंकि उसका इरादा था कि वो खुद ही नताशा से बाद में माफी मांगकर उसे मजाक के बारे में बता देगा लेकिन नताशा ने जो जवाब दिया था वो बहुत ही चौंका देने वाला था वो बहुत आराम से फरहान से बात कर रही थी फिर नताशा ने फरहान से उसकी तस्वीर मांगी क्योंकि उसे सही तरह से याद नहीं था कि फरहान कौन है फरहान ने बिना झिझक अपनी तस्वीर उसे भेज दी और उसके बाद मेरी बीवी उसकी तारीफ करने लगी मुझे फरहान बातचीत का ये सिलसिला खत्म करना चाहता था लेकिन अब मैं ऐसा नहीं चाहता था कि वो इस बातचीत को खत्म करे मैं देखना चाहता था कि वो कहाँ तक जाती है शाम तक जब हम फैक्ट्री में रहे नताशा बहुत ही बेतकलफी से फरहान के साथ मैसेज पर बात करती रही फरहान मेरे आगे शर्मिंदा होता चला गया लेकिन दर हकीकत नज़रें तो मेरी जमीन पर गड़ गई थीं। मजाक में शुरू होने वाली बात इस हद तक आगे बढ़ जाएगी ये हम दोनों ने सोचा भी नहीं था मैं इसी परेशानी में घर पहुँचा था और सारे रास्ते ये सोचता रहा था कि नताशा मुझे अपने और फरहान की गुफ्तगू के बारे में ज़रूर बताएगी लेकिन उसने ऐसा कोई जिक्र नहीं किया आज रात मुझे नींद भी नहीं आ रही थी मैं ये सोच रहा था कि शायद नताशा मुझे बताना भूल गई है वो ना जाने किन सोचों में गुम थी कि उसे इस बात का एहसास भी नहीं हुआ कि मैं मामूल से हट कर खामोश हूँ बहुत सारे वहम मेरे दिल में जन्म ले रहे थे और ये बात मुझे पूरी तरह खटक रही थी कि आखिर चार दिन में उसकी मां ने उसे मेरे सर पर थोप क्यों दिया अगले दिन मैं फैक्ट्री में गया और जाते ही फरहान से उसका मोबाइल फोन ले लिया और जो पहला मैसेज मेरी नजरों के सामने आया उसे देखकर मेरे सर पर आसमान गिर पड़ा कल शाम को जब मैं घर लौटा तो उसी वक्त नताशा ने फरहान को मैसेज कर दिया था कि वसीम घर आ चुके हैं और अब आप मुझे कोई मैसेज ना करना मैं जो ये सोच रहा था कि नताशा शायद मुझे बताना भूल गई है मेरी ये खुश फहमी मेरी खाल खयामी ही साबित हुई थी उसने जानबूझकर मुझसे ये बात छुपाई थी और फरहान शर्मिंदगी से कहने लगा कि अब इस बात को यहीं खत्म कर देना चाहिए लेकिन अब ये बात मेरी इज्जत पर आ गई थी और मैं इसे इतनी आसानी से खत्म करने वाला नहीं था मैंने फरहान से कहा कि अब तो तूने आजमा लिया है और नतीजा भी सामने है फरहान नासमझी से मेरी तरफ देखने लगा मैंने फरहान से कहा कि तुम उसे तन्हाई में मिलने के लिए बुलाओ फिर देखते हैं वो क्या करती है पहले तो फरहान ने इनकार किया और कहा कि वो आज तक मुझे छेड़ने के लिए मजाक करता रहा है उसे मेरी बीवी में कोई दिलचस्पी नहीं है लेकिन मेरे दबाव डालने पर उसने नताशा को मैसेज किया कि वो नताशा से मुलाकात का ख्वाहिशमंद है नताशा कहने लगी कल उसे किसी काम से बाजार जाना है तो वो उसी वक्त उससे मिलने के लिए चली आएगी फरहान ने एक होटल का कमरा बुक करवा के उसे मैसेज कर दिया कि यहाँ मिलने के लिए आ जाना फरहान बहुत ही परेशान था ये सब तो उसने सोचा भी नहीं था और ना ही ये सब कुछ मेरे गुमान में था अगले सुबह नताशा ने मुझे बताया कि आज उसे किसी काम से बाजार जाना है और वापसी पर ज्यादा वक्त भी लग सकता है इसीलिए मैं परेशान ना हूँ मैंने गहरी नजर नताशा पर डाली जिसके चेहरे पर घबराहट के कोई आसार ना थे मैं खामोशी से फैक्ट्री आ गया और दोपहर के वक्त वहीं से छुट्टी लेकर होटल रवाना हो गया क्योंकि प्लान के मुताबिक फरहान की जगह नताशा से होटल में मुलाकात मुझे करनी थी मैं कमरे में बैठा उसका इंतजार कर रहा था मैंने सोच लिया था कि आज मैं उसे तलाक दे दूंगा कमरे में फरहान की जगह मुझे देखकर उसके चेहरे का रंग बदल गया मैंने उसे कसकर बाजू से पकड़ा और पूछा कि वो बाजार की बजाय यहाँ क्या कर रही है मुझे लगा नताशा अपनी सफाई में कुछ कहेगी और मुझे गलत साबित कर देगी लेकिन मैं गलत खुद साबित हो गया था जब नताशा ने मुझसे नजरें चुरा ली मैं जान गया था इस आजमाइश में वो बुरी तरह नाकाम हो गई है मेरे लिए सांस लेना मुश्किल हो गया था मैंने उसे पकड़ कर झिझोड़ दिया उससे पूछा कि वो मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती है वो रोते हुए कहने लगी कि वो मुझसे शादी नहीं करना चाहती थी लेकिन उसकी माँ ने ज़बरदस्ती उसकी शादी मेरे साथ करवा दी उसकी माँ को अपने शोहर के पास जाना था वो शोहर जिसने नताशा की पैदाइश पर उसे धुतकार कर छोड़ दिया था नताशा के बाप को बेटा चाहिए था और नताशा की पैदाइश ने उसके माँ बाप में दूरी पैदा कर दी थी नताशा के बाप को दुबई में अच्छी नौकरी मिली तो वो ये कहकर हमेशा के लिए चला गया कि जब नताशा की शादी हो जाए तो उसकी माँ भी हमेशा के लिए दुबई आ जाए असल में नताशा का बाप नताशा का चेहरा तक देखना नहीं चाहता था कुछ अर्सा तो आलिया बेगम अपने ससुराल में रही लेकिन फिर उनके देवर की नजरें उन पर खराब हो गयी क्यूँकी वो भी नताशा की तरह जवान और खूबसूरत नजर आती थी इसलिए तंग आकर उन्होंने अपना ससुराल छोड़ दिया वो नताशा को लेकर कर कराई के घरों में घूमती रही और वो जहाँ जाती नताशा की खूबसूरती की वजह से वहाँ कोई ना कोई उसका आशिक बन जाता और नताशा अपने अंदर के एहसास कमतरी को मिटाने के लिए उसकी मोहब्बत का सहारा ले लेती और उसकी माँ अब नताशा से बहुत तंग आ गई थी नताशा ने उनका जीना मुश्किल कर दिया था मैं उन्हें पहली नज़र में पसंद आ गया था उन्होंने नताशा की शादी खामोशी से मेरे साथ करवा दी ताकि नताशा का माजी मेरे सामने ना आ सके मैं भी दूसरे लड़कों की तरह नताशा की मोहब्बत में गिरफ्तार हो गया था इसलिए मैंने कुछ सोचे समझे बिना ही उससे शादी कर ली थी नताशा कह रही थी कि वो जिंदगी भर अपने बाप की मोहब्बत को तरसती रही और इसी कमी को पूरा करने के लिए उसने झूठे सहारे लेना शुरू कर दिए उसे हर किस भी अंदाज़ा नहीं था कि उसकी माँ मुझ जैसे मामूली शक्ल वाले तीस साल के मर्द से उसकी शादी करवा देगी मेरी नस्बत मेरा कज़न फरहान जवान और खूबसूरत था इसलिए वो उसकी तरफ माइल हो गई थी मगर उसे ये अंदाजा नहीं था कि फरहान मुझे हर बात बता देगा। वो बहुत छोटी उम्र से ही इस गलत रास्ते पर चल रही थी इस रास्ते पर चलने में कोई खौफ महसूस नहीं हुआ था मैं ये जानकर सदमे में आ गया था कि मुझसे पहले भी नताशा की जिंदगी में कई मर्द आ चुके थे और मेरे बाद भी वो फिर से ताल्लुक कायम करने को राजी थी मैंने उससे पूछा कि वो क्या चाहती है वो हमेशा से नफसियाती मसले का शिकार रही है और बाप की दूरी और बुरे रवैये की वजह से वो जहनी मरीजा बन गई थी मुहबत मिलती वो उसे समेटने की कोशिश करतीशा पर तो नहीं दे रहा था मैंने उसे यकीन दिलाया की मैं उसे बहुत ज्यादा मोहब्बत करता हूँ और उसका माजी भुला कर उसके मुस्तबिल को खुशियों से सजा सकता हूँ वो अपने माँ बाप की दूरी का शिकार होकर गलत रास्ते पर चल निकली थी और अब अगर मैं उसे तनहा छोड़ देता तो यकीनन वो बुरी तरह गुनाहों के दलदल में उतर जाती मुझे यहाँ उसे सीधा डॉक्टर के पास लेकर जाना था क्योंकि उसे किसी अच्छे से डॉक्टर की जरूरत थी मैंने फरहान को फोन करके कह दिया कि तेरी भाभी को पहले से ही ये पता चल गया था कि हम दोनों मिलकर उसे आजमा रहे हैं इसीलिए उसने जानबूझकर तुमसे बात करने का ड्रामा किया और हमारी चाल में हमें फंसा दिया मेरी बात सुनकर फरहान की जान में जान आ गई थी मैं नताशा का हाथ मजबूती से पकड़कर बाहर निकल आया वो मेरे निकाह में थी और मैं उसका लिबास था उसका हर ऐब हर खामी छुपाना मेरी जिम्मेदारी थी मैं उसे अपने कजन की नज़रों में कैसे गिरा सकता था आने वाले वक्त में मुझे नताशा की जिंदगी खुशियों से इस तरह भरनी थी कि वो फिर कभी भटकने का सोच भी ना सके और मैंने ये सब कर दिखाया था नताशा ने मुझसे माफ़ी मांग ली थी इलाज होने के बाद वो बिल्कुल ठीक है उसका बाप माजूर होकर वापिस आ गया है और उसने भी नताशा को कबूल कर लिया है बेटे से दूर रहकर वो अपनी ज़िंदगी में कभी कामयाब नहीं हो सका था मगर आज उसे बेटे की कदर हो गई थी वक्त के साथ सब कुछ ठीक हो गया था मियां बीवी एक दूसरे का लिबास होते हैं और अगर बीवी कभी किसी गलत रास्ते की तरफ चल पड़े तो उसे सही रास्ता दिखाना उसके शोहर की जिम्मेदारी होती है लेकिन अफसोस कि हमारे माशरे के मर्द अपनी बीवियों को सही रास्ता दिखाने की बजाय खुद ही उनकी किरदार कशी करते हैं और उनकी खामियों को सुधारने की बजाय उन्हें छोड़ देते हैं और फिर वो औरतें सारी ज़िंदगी ज़माने की ठोकरें खाती रहती हैं